दोस्तों आज हम बात करेंगे Xiaomi के अपकमिंग स्मार्टफोन Mi A4 के बारे में। ये फोन Mi A3 का सक्सेसर होगा और एक मिड रेंज स्मार्टफोन होगा, तो कम प्राइस पर काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन इस फोन में दी जाएंगी। जहां Mi A3 में वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दिया गया है, वहीं Mi A4 में वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले को रिप्लेस करके पंच होल डिस्प्ले दिए जाने की पूरी उम्मीद बनती है, तो काफी स्टाइलिश लुक में ये फोन नजर आने वाला है। और अगर बात करें इस फोन के प्रोसेसर की, तो Qualcomm Snapdragon 700 सीरीज का प्रोसेसर इस फोन में दिया जाएगा। दोस्तों Mi A सीरीज के स्मार्टफोन कैमरा सेंट्रिक होते हैं, तो इस फोन में भी काफी कमाल का कैमरा सेटअप दिया जाएगा। चाहे वो रियर कैमरा हो या फिर सेल्फी कैमरा, दोनों में ही काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के ये फोन Mi A3 का अपग्रेड होगा। जो कमियां Mi A3 में रह गई थी, उन सारी कमियों को दूर करके काफी इम्प्रूवमेंट के साथ इस फोन को लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस फोन की डिटेल की क्या होने वाली है, इस फोन की स्पेसिफिकेशन, कब तक और किस प्राइस में इस फोन को लॉन्च किया जाने वाला है। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। इस फोन की बॉडी होगी पॉलीकार्बोनेट की, जिसके बैक पैनल पर ग्लासी फिनिश दिया जाएगा। इस फोन में दिया जाएगा 6.53 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसका रिजोल्यूशन होगा 1080x2340 पिक्सल का, और पिक्सल डेंसिटी होगी 403 पिक्सल पर इंच की। ये डिस्प्ले होगा फुल व्यू डिस्प्ले, जिसमें बेजल का साइज काफी कम होगा। साथ ही फोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। सिक्योरिटी फीचर्स की अगर बात करें, तो फेस अनलॉक के साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इस फोन में दिया जाएगा। फोन को पावर देने के लिए इस फोन में दी जाएगी 4500 mAh की बैटरी, जिसको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। अब बात करते हैं इस फोन के कैमरा के बारे में, तो इस फोन में दिया जाएगा क्वाड कैमरा सेटअप, जिसका प्राइमरी कैमरा होगा 64 मेगापिक्सल का और सेकेंडरी कैमरा होगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया जाएगा, और फोन के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया जाएगा। कैमरा फीचर्स में डिजिटल जूम, फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस और टच टू फोकस दिए जाएंगे। इसके साथ ही शूटिंग मोड्स की अगर बात करें, तो कंटिन्यूअस शूटिंग और हाई डायनेमिक रेंज यानी कि HDR मोड दिया जाएगा। कनेक्टिविटी के लिए USB टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm का ऑडियो जैक और डुअल नैनो सिम स्लॉट दिए जाएंगे। ये फोन रन करेगा लेटेस्ट Android 10 पर। इस फोन में दिया जाएगा Qualcomm Snapdragon 730 प्रोसेसर। ये चिपसेट पावर एफिशिएंट 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसमें 2 कोर्टेक्स A76 बेस्ड क्रियो 470 कोर दी गई है। साथ ही इसमें Adreno 618 GPU दिया गया है। इस प्रोसेसर की क्लॉक्ड स्पीड है 2.2 GHz की। इस फोन को 2 वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें पहला होगा 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, और दूसरा होगा 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। इस फोन का प्राइस होगा लगभग 13 या 14 हजार रुपए, और इस फोन की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 27 मार्च 2020। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।